धन्यवाद। एक्चुअली आप लोगों ने भी बताया कि भ्रम फैलाने वाले पे क्या कार्रवाई की। जीएम साहब के द्वारा तो बताया ही गया कि क्या क्या रेलवे के द्वारा पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं। अपॉइंटमेंट्स लास्ट एक साल के करीब लगभग 1.5 लाख के करीब है। अभी भी जो प्रोग्रेसिव निरंतरता है अपॉइंटमेंट्स की वो हो रही है। एज रिलैक्सेशन भी हो गया। जो भ्रम फैला रहे हैं उनको चिन्हित किया गया है। देयर विल बी जीरो टॉलरेंस जो राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं। रेलवे में अगर हजार लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, हजारों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो करोड़ों लोग जो है डेली उसका यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो छात्र भी है या हम सभी लोग जो है रेलवे का उपयोग करते हैं, ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। तो इसमें कोई किसी तरीके की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ में जो है अभी चिन्हीकरण का काम हो रहा है। रेलवेज़ के भी ऑफिशियल्स हैं और एक टीम की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन जो है अभी जो है अलग अलग पॉइंट्स पे जहाँ ये मूवमेंट है ये चेक कर रहे हैं। अगर किसी तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इंस्टिगेट किया जा रहा है या कोई असामाजिक तत्व इसको इंस्टिगेट किए जा रहे हैं, तो उनको भी जो है इसमें जो है हम जो है बुक करेंगे और कार्रवाई भी निश्चित करेंगे। मैं बस आप लोगों से यही निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा कि रेलवे की जो राष्ट्रीय संपत्ति उसको कृपया ना हानि पहुंचाए। जो आपकी समस्या है, जैसे जीएम साहब आ गए, रेलवे के सारे वरीय पदाधिकारी यहाँ पे हैं, पुलिस के हमारे सिटी एसपीज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अलग अलग सेक्शन को देख रहे हैं, तो आप लोग अपनी समस्या बताएंगे तभी उसका निराकरण होगा। 3 निराकरण ऑलरेडी जो है रेलवेज ने किया है, जो उनके बातें रखी गई थी और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो है इस तरीके का एजिटेशन जो है एक लोकतंत्र में अपेक्षित नहीं है। और मैं पूरी बिहार के और पटना के विशेष तौर पे जो भी मेरी जनता है उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अगर कोई ऐसा है एजिटेशन, तो जो इशू जो है हमारे सामने बताए, ना कि कोई भ्रम फैलाए और जो है जो राष्ट्रीय संपत्ति उसको हानि बनाए। धन्यवाद। और सर इशू का विरोध देख से फिर से नाराज छात्र, छात्रों के बीच कुछ भ्रांतियाँ फैल गई है जिनको दूर करने के लिए हमने आपसे 2 दिन पहले भी बातचीत की थी और उसमें जो जो भ्रांतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया था। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि रेलवे ने 2018-19 में एक साथ कुछ रिक्तियाँ निकाली थी, उनको चरणबद्ध तरीके से फिलअप किया गया। और अगर आप देखें तो पिछले एक साल के अंदर ही लगभग 1.5 लाख रोज़गार प्रोवाइड किए गए और रिसेंटली अप टू नवंबर वो सभी वैकेंसीज़ में जो नोटिफिकेशन आए थे उनको जॉब दिया गया। तो 1.5 लाख जॉब अभी पिछले एक साल के अंदर अंदर दिए गए। जैसे ही वो रिक्तियाँ भरी उसके बाद में असेसमेंट शुरू किया गया रिक्वायरमेंट फॉर आगे के वैकेंसीज़ के लिए। सबसे पहले ALPs का रिक्वायरमेंट की कैलकुलेट करके उसके लिए नोटिफिकेशन दिया गया जनवरी में। लेकिन कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाई कि नहीं ये तो केवल 6,000 आया है वैकेंसी, ये तो 50,000 होना चाहिए था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे के पास 10,000 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैं और रफली 4,000 कुछ डीजल लोकोमोटिव्स हैं। दोनों को मिलाएं तो उसके लिए टोटल रिक्वायरमेंट ही 50,000 के आसपास होती है ALPs की। उसमें जब असेस किया गया नवम्बर के महीने में तो हमारे पास टोटल 6,200 वैकेंसीज आई, उसमें से 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशन से भरी जाती हैं और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती हैं। तो उसी देखें तो हम 3,100 वैकेंसीज थी, 3,100 वैकेंसीज को हमने एक साल के लिए जो सिलेक्शन पीरियड होता है उसके लिए अपग्रेड करके रफली 5,696 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन दे दिया। तो बच्चों में ये था कि भाई बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, कोई बच्चा बोल रहा है 1.5 लाख होना चाहिए था, कोई बोल रहा है 50,000 होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें 2 दिन पहले क्लियर की गई थी, अभी हम आपके माध्यम से दोबारा क्लियर कर रहे हैं। ये जो वैकेंसीज होती हैं इनको किसी जिस दिन असेस करते हैं उस दिन के हिसाब से नोटिफिकेशन दिया जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद इनकी जो रिजल्ट आता है और जब सिलेक्शन फाइनल होता है उस दिन अगर वैकेंसीज बढ़ जाती हैं तो उस दिन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो वेटिंग में पैनल होते हैं उससे वेटिंग लिस्ट से इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिलअप की जाती है। और कोई भी इंजन ट्रेन आपको पता ही है कि बगैर ALP के तो चल नहीं सकती, तो ये बहुत असेंशियल कैटेगरी है। तो जो रिक्वायरमेंट होती है हम सिलेक्शन के टाइम भी अगर बढ़ गई है रिक्वायरमेंट तो हम उतना फिलअप करते हैं। जैसा कि पिछले बार हुआ था, हमारी टोटल
रिक्वायरमेंट काफ़ी कम थी, लगभग 27,795 हमने नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन जो एक्चुअल फिलअप किया वो 34,000 किया था। जब रिजल्ट आया और उसको इम्प्लीमेंट किया तो जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है रिजल्ट आने के टाइम पर उतना हम फिलअप करते हैं। तो इस भ्रांति को दूर करने का हम लोग प्रयास किया और आपके माध्यम से हम इसको फिर बच्चों तक पहुंचाना चाहेंगे। पिछली मीटिंग में जो आपके क्वेश्चंस थे कि भाई कोरोना में चार पाँच साल तक बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए पिछले के बाद, तो उनको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम दिल्ली गए। दिल्ली में बातचीत करके रेलवे बोर्ड से डिसीजन लेके आए कि भाई हम 3 साल का उनको रिलैक्सेशन दे देंगे इस एग्ज़ाम में एज वन टाइम मेजर, जिससे कि जो बच्चे रिपीट नहीं दे पाए तो उनको वापस से मौका मिले। और इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से कि जैसे 3 साल का गैप हो गया तो बच्चे एक बार एग्ज़ाम दिया 5 साल तक वो उनको दोबारा चांस ही नहीं था, तो रेलवे ने अब नई प्लानिंग की है कि हम हर साल असेसमेंट करेंगे और रिक्तियों को भरेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये वाली परिस्थिति नहीं होगी कि आज एग्ज़ाम दे दिया 5 साल तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको हर साल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप इस साल किसी कारणवश सक्सेस नहीं हो पाए, कोई रीजन रहा तो अगले साल फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी कड़ी में हमने, जैसा बच्चों ने बोला था कि नहीं इसका क्या प्रूफ है कि अगले साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमने अगले साल में जो ALP का नोटिफिकेशन आएगा जनवरी, वो भी प्रेस रिलीज में दे दिया है कि अगले साल जनवरी में अगली रिक्तियों की घोषणा की जाएगी।